दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आए हैं आपके साथ एक नया वीडियो लेके, और वीडियो धमाकेदार होने वाला है दोस्तों, कि आज तक ना आपने ऐसा वीडियो देखा है और ना ही आगे आप देखेंगे। हम बनाने वाले हैं दोस्तों स्प्लेंडर प्लस को, व्हील लगा के फिट करके चला के दिखाने वाले हैं आपको कि कैसे चलता है स्प्लेंडर। यह गाड़ी कीचड़ में चल पाएगा दोस्तों या नहीं, वीडियो में बने रहिए। और अभी हम करने वाले हैं दोस्तों स्प्लेंडर में इसको फिट। ये आ गया दोस्तों गाड़ी, अब इसमें चेंज करने वाले हैं इसके अलॉय व्हील को। तो हमारे टीम में मिस्त्री कोई है नहीं, इसलिए हम बाहर से मिस्त्री को लाए हैं जो हमारे व्हील को चेंज कर रहे हैं। आप ये भी देख लीजिए इस व्हील को हमने किस तरीके से बनाया है दोस्तों, ये देखिए आप वीडियो। हेलो दोस्तों, तो आपने देखा इस वीडियो के लिए हमें इतना सारा मेहनत करना पड़ा, और एक्चुअली में हम उतने फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमारे पास है नहीं कि हम आप कुछ और भी दिखा पाएँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप इतना शेयर और इतना सब्सक्राइब करें कि हमारा मनोबल बढ़ जाए दोस्तों, और हम आपके सामने नए नए वीडियो लाते रहें। और आप जो सोचेंगे दोस्तों वो हम आपको करके दिखाएंगे। बिल्कुल हमारा वीडियो दोस्तों एक्सपेंसिव होगा, बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सब्सक्राइब करना है दोस्तों, एक शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि हमारे नए नए वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। हेलो दोस्तों, हो गया हमारा अलॉय व्हील फिटिंग। अब करते हैं हम स्टार्ट गाड़ी को, अब देखते हैं क्या होता है। करें हमारी स्टार्ट। दोस्तों इस गाड़ी को आप अभी कहीं चाहे गड्ढे नाले खाले जहां चाहे वहीं उतार सकते हैं। इसको इस तरीके से हमने मॉडिफाई किया है दोस्तों।
कर रहा था आपने देखा। अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक जुताई वाले खेत में ये कितना वर्क करता है। जहाँ अगर हमारे एलोवेल में टायर लगा हुआ होगा तो वहाँ गाड़ी जो देखा आपने ऐसा हो नहीं सकता था ना, चल पाएगा, इसीलिए हमने इसे मॉडिफाई करके ऐसा बनाया कि कीचड़ में चले। अब दिखाएंगे आपको हम इसे एक जुताई वाले खेत में। दिखाओ भाई साहब आगे दिखाओ, खेत दिखा दो। तो आपने दोस्तों देखा कि इस फील्ड में भी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है दोस्तों। ऐसे एक्सपेरिमेंट दोस्तों हम आपके सामने लाते रहेंगे, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।